तकलीफ में यूज किया है और डीआर साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस मोहब्बत का इजहार आप लोग कर रहे हैं, जिस चाहत के साथ आप इन्हें विदा कर रहे हैं, तो यकीनन लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, जिसकी वजह से आज सब लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। और मैं एक छोटी सी मतलब याद आ रही थी वो मैं सुनाऊंगा। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ कपकपाते लफ्ज जो होंठों पे ठहर जाए, उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज़ देती है, कोई अपना के जिसके नाम अपने दिल पे लिखा हो, कोई अपना के जिसके नाम जिसका नाम अपने दिल पे लिखा हो, कि जिसके वास्ते दिल से दुआएं निकलती हों, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिया साहब को एक शेर सुना रहा था, वो आपको सुना के बाद बात खत्म करता हूँ। नौजवान एरिया ने कहा था कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। जिंदगी में पैदा हुए थे जीने के लिए, हमने जीना गुजार दिया नौकरी, और जब जीने का ख्याल आया तो ऊपर से बुलावा आया, बस बहुत हो गया। बड़े ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें जीने का मौका मिलता है। रिटायरमेंट हमें लग रहा होता है जिंदगी का एंड है, अगर महसूस करें तो जिंदगी का स्टार्ट होता है। हम जब नौकरी शुरू करते हैं तो हमारे जेब में कुछ ख्वाब होते हैं, अच्छा घर मिल जाए, बीवी बच्चे हों, फैमिली हो, कोई चार पैसे जेब में हों, गाड़ी हो, तो हम जिएंगे। अब सब कुछ है लेकिन ख्याल यही रहेगा वो नौकरी। अगर बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलना था, कुछ हॉबी देखनी थी, कोई दुनिया देखनी थी, कुछ पढ़ना था, तो रिया साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको रिटायरमेंट का मौका दिया, क्योंकि मोहम्मद दीन साहब रिटायर नहीं हुए। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मौका दिया कि अब सारी यूनिवर्सिटी करके कहा जाओ आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामत रखे, आप बच्चों के साथ आवाज शाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो ये सब लोगों की मोहब्बतों का कर्ज आप पर है, यकीनन आप इसे मोहब्बतों से ही लौटाएं।